पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सत शर्मा साहब, कौल साहब, कौल साहब, माननीय डी मोर्चा, नलवा साहब, फानी साहब, जिंदाबाद बोल दे एक बारी। आज के इस कार्यक्रम में मुख्यतः रूप से मंच पर असीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री माननीय शोकोल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे मध्य में रणजोत सिंह नलवा जी माइनॉरिटी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष पार्टी के हमारे सीनियर लीडर भाली भगत जी संतोष सिंह जी जनरल सेक्रेटरी इस मेंबरशिप के हमारे इंचार्ज मनीष खजूरिया जी बहन जसमीत कौर जी संजीव सिंह बाली जी फरीद अहमद जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित माइनॉरिटी मोर्चा से जुड़े हुए उनके पदाधिकारी अलग अलग जिलाओं से आए हुए इनके जिला के अध्यक्ष मातृशक्ति दोस्तों साथियों बड़े विस्तृत रूप से आप लोगों के बीच में मेंबरशिप ड्राइव को लेकर माननीय शोकोल जी ने और अपना भाषण जो था नलवा जी ने भी रखा और पूरी जानकारी आप लोगों के साथ जो थी माननीय शोकोल जी ने साझा की। मेंबरशिप ड्राइव कैसे हो, मेंबरशिप को कैसे करना है और इस मेंबरशिप के माध्यम से पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है इसकी वेरिफिकेशन आप लोगों के सामने आएगी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बने इसकी तरफ हमारे कार्यकर्ताओं ने कार्य करना शुरू किया था। 10 करोड़ का टारगेट था मात्र और इस 10 करोड़ का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने अचीव किया और उसके बाद 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार भी बनी। इसके बाद 2019 में मेंबरशिप हुई, मेंबरशिप जो थी ये 16 करोड़ के लगभग पहुंची और तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और 2024 में जब चुनाव हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, आज ये मेंबरशिप रखी गई। कारण यह है कि जब जब भी पार्टी के लोग आपसे जुड़ते हैं, आम जनता आपसे जुड़ती है, पार्टी के लोग तो मेंबरशिप कराएंगे, मैं मेरे घर में मेरा परिवार मेरे जानकार पार्टी के वोटर्स सपोर्टर्स सिंपथाइजर्स, लेकिन बड़ी बात होती है कि जब आप आम जनता की जो है वो मेंबरशिप करते हैं और लोग आपसे जुड़ते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की हमारी जम्मू कश्मीर की इकाई ने भी लगभग 6,40,000 मेंबरशिप की थी और उसके बाद 2019 में 16,67,000 जैसे शोक जी बता रहे थे कि ये मेंबरशिप हुई थी। कारण यह था कि 2019 में हमारे कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के आह्वान के बाद और लोगों के बीच में गए और उसके बाद आम जनता के बीच में भी गए और यही आह्वान आज आप लोगों को माननीय शोकोल जी ने किया है कि लोगों के बीच में जाइए, लोगों के घरों में जाइए, लोगों को पार्टी की विचारधारा के बारे में पढ़ाइए, क्योंकि मात्र मेंबर बनाना भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मेंबर आप किसी को कंपेयर करके भी बना सकते हैं, मेरा दोस्त है मैं उसको बोलूंगा मेंबर बन, वो मेंबर बन जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उसके पास कैसे पहुंचे इसकी तरफ भी जो है वो मित्रों काम करना है और ये प्रयास करना है कि जो वातावरण हम पूरे देशभर में चाहते हैं कि एक विचार के लोग, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो आप सब कार्यकर्ताओं के कारण है। और जो नलवा जी अभी बता रहे थे कि लगभग 1.5 लाख नए मेंबर्स हमने जोड़ने का कार्य रखा है, वो हम लोग कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं,
क्योंकि जहां तक प्रश्न अगर हम लोग माइनॉरिटी का पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसमें सिख समाज के लोग हैं, इसमें बौद्ध समाज के लोग हैं, इसमें जैन समाज के लोग हैं, इसमें पारसी समाज के लोग हैं, इसमें क्रिश्चियन समाज के लोग हैं। ये सब मिलाकर जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ेंगे, उनको अपना मेंबर बनाएंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से देश का विकास हुआ, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर जो कार्य किया है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, मित्रों देश आगे बढ़ा। 370-35 से हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को हमारी संसद के बीच में, हमारी लोकसभा के बीच में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए और वो प्रॉपर एक डिस्कशन के बाद हुआ था। उस 370 जिसका फायदा मात्र कुछ लोगों को होता था, मात्र 100 परिवार, कभी आप लोगों को ध्यान में आए? और इस विषय को लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है कि मात्र 100 परिवार खुश होते थे 370 जब हमारे प्रदेश के ऊपर काबिज था, उन 100 परिवारों को फायदा होता था। दिल्ली से तब भी पैसा आता था डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली से तब भी पैसा आता था तनख्वाहें देने के लिए, दिल्ली से तब भी पैसा आता था यहां पर विकास की को लेकर, लेकिन वो पैसा कभी विकास की तरफ नहीं लगता था। मात्र 100 परिवार अपने तरीके से मित्रों उसको बांट लेते थे। उसमें कांग्रेस के लोग थे, उसमें पीडीपी के लोग थे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यतः तरीके से लोग थे। ये स्पेशल स्टेटस मित्रों खत्म किया गया नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी ने, हम सब जानते हैं। और इस प्रदेश में जो वातावरण बना वो एक डेवलपमेंट का वातावरण था। आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि जो इतिहास हम लोगों ने रचा, जो इतिहास हम लोगों ने बनाया, वो कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता भी जो थी वो जुड़ी थी। पिछले चुनाव शांति के माहौल में हुए, पिछले चुनाव जो थे एक ऐसे वातावरण में हुए कि जब आम जनता को लगना शुरू हो गया था कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बढ़िया वातावरण बना है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। 25 से 29 सीट 2002 से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, आप लोगों के ध्यान में आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मात्र 1 सीट थी, वो भी लगभग शायद 50-60 वोटों से हम लोगों ने जीती थी जुगल किशोर शर्मा। ये गिनती जो थी आगे बढ़ी, 11 पहुंची, 11 से 25, आज 25 से 29। और जम्मू कश्मीर में मात्र ये मेंबरशिप के कारण ही, और आज जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में, चाहे जो जम्मू का हर एक खिता हो, कश्मीर का हर एक खिता हो, भारतीय जनता पार्टी ने 26% मत लेकर बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। इसमें आप सबकी भूमिका भी है, और इस भूमिका को मित्रों खराब करने की कोशिश कल असेंबली में जो थी वो की गई। ये मैं आप लोगों के साथ मेंबरशिप में भी इसलिए साझा कर रहा हूं कि मेंबरशिप तो हम लोगों ने करनी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जब हुई थी, भारतीय जनसंघ का पुराना स्वरूप जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, वो मात्र इसलिए हुई थी कि एक सशक्त विपक्ष की जरूरत थी, क्योंकि कांग्रेस की बनवानी है उस समय में भी थी, आजादी के समय में भी, आजादी के बाद से भी लगातार जब लोग सत्ता में रहे वो रही, उन्होंने कभी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, एक परिवार के बारे में सोचा, अपने कुछ लोगों के बारे में सोचा। कल आप लोगों ने देखा कि एक रेजोल्यूशन को असंवैधानिक तरीके से जो था हम असेंबली के बीच में रखा गया और असंवैधानिक तरीके से ही उसको पारित किया गया, और ये कहा गया कि यूनिलैटरली यानी बगैर किसी डिस्कशन के संसद के दोनों सदनों पे, दोनों पटरों के ऊपर वो जो 370 था 35 से था मित्रों उसको निरस्त किया। आप खुद सोचिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को,
अपने संसद के ऊपर विश्वास नहीं है, जहां पर उसके अपने 99 जो है वो कार्यकर्ता है, अपने उनके 99 जो है मेंबर पार्लियामेंट है, उनको सदन के दोनों पटलों के ऊपर जो है वो विश्वास नहीं। एक ऐसा वातावरण जो है वो मित्रों इस देश भर में बनाने की, इस प्रदेश भर में बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस द्वारा की गई है, कांग्रेस और की जा रही है। 16 आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि एक टेररिस्ट मारा जाता है और उस टेररिस्ट के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब किया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इशारे पर किया गया। इनको कुछ लेना देना नहीं है कि आम जनता क्या कर रही है, इनको कुछ लेना देना नहीं है कि आम जनता का मित्रों क्या हो रहा। और ऐसे समय में ये परिस्थितियां ये भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, हमारे 29 विधायक जो थे वो जीत कर आए हैं, 28 एक अभी हम लोगों ने देवेंद्र राणा जी को जो थी वो श्रद्धांजलि भी दी, 28 विधायकों के साथ हमारे वो शेर तो असेंबली में गरजेंगे लड़ेंगे, लेकिन सड़कों के ऊपर भी आम जनता के साथ आप लोगों को लड़ना है। अभी मैं नलवा जी से बात कर रहा था कि कार्यक्रम के खत्म होने के बाद हम सबको प्रदर्शन करना है और बताना कि देश भर की माइनॉरिटी, प्रदेश भर की माइनॉरिटी, चाहे वो सिख समाज से संबंधित है, चाहे वो मुस्लिम समाज से संबंधित है, चाहे वो जैन है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, सभी लोग जो है वो इकट्ठे, और आज जरूरत है सड़कों के ऊपर आने की। जो 370 वो लाने की बात कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है इस देश में, इस प्रदेश में, जो हमारी मातृशक्ति को जो 50% हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको उनका हक मिला है, वो हक वो छीनना चाहते हैं। गोरखा समाज को उनका हक मिला है, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी, यहां पे से भी कई वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी होंगे, उनको उनका हक मिला, वो हक जो है वो मित्रों छीनना चाहते हैं। गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को जो हक मिला है वो मित्रों छीनना चाहते हैं। ऐसे समय में जरूरत है हम सबको सड़कों के ऊपर भी आने की। मेंबरशिप ड्राइव तो चलेगी, मेंबरशिप ड्राइव जो हमारे पूर्व अध्यक्ष ने एक टारगेट फिक्स किया, उस टारगेट को तो हम लोग अचीव करेंगे, लेकिन आम जनता के साथ खड़े होने का वक्त भी जो है वो मित्रों आ चुका है। और आज जिस तरीके के वातावरण में ये कार्य मित्रों आज हो रहा है, ऐसे समय में मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम सब मिलकर आम जनता के साथ सड़कों के ऊपर हूं, क्योंकि मातृशक्ति प्रदर्शन करेगी उनका हक छीन रहा है, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी प्रदर्शन करेंगे उनका हक छीना, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और वो समाज जिनको 370 निरस्त होने के बाद उनका हक मिला है, वो लोग सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका साथ देगा। क्योंकि जब इस प्रदेश के हित की बात आती है, जम्मू का क्षेत्र की बात आती है, हित की बात आती है मित्रों, हम सबको जो है वो इकट्ठे होने की आवश्यकता है। आज नलवा जी के ध्यान में मैंने लाया है कि इसके बाद एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से सड़कों के ऊपर जाने का भी होगा, ताकि लोगों को पता चले, और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके लोगों ने कल 4 लोग 5 लोग 10 लोगों ने मिलकर जहां पर पटाखे फोड़े और कहा कि 370 को वापस ला रहे हैं, लेकिन मित्रों आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कि केंद्र में वही लोग बैठे हुए, केंद्र में वही नेतृत्व है, केंद्र में वही नरेंद्र भाई मोदी है, केंद्र में वही अमित शाह जी है जिन्होंने 370 को निरस्त किया था, 35A को निरस्त किया था, चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो यहां का वातावरण खराब करना चाहते हैं, और वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि सीमा के पार उनके आका चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई विकास ना हो, सीमा पार उनके आका चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल ना हो। तो यही बताने के लिए मित्रों हम सबको सड़कों के ऊपर भी आना पड़ेगा। मैं नलवा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज मेंबरशिप तो है ही साथ में, लेकिन उसके साथ साथ आपका प्रदर्शन भी जो है अखबारों में सुर्खियों के बीच में होना चाहिए, ताकि वहां पर बैठी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो जयचंद जिसने जम्मू में जम्मू के नाम पर, जम्मू के विकास के नाम पर, जम्मू के हित के लिए वोट लिया था,
और वहां पर रेजोल्यूशन रखा कि जम्मू को मैं पीछे करना चाहता हूं। उसको भी पता चलना चाहिए कि पूरे के पूरे प्रदेश का जो माइनॉरिटी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो आम जनता के साथ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।